सो हाई एवरी वन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को ऐसे वीडियोज देखना भी बहुत पसंद है। तो मैं बेसिकली आज आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मीशो का हॉल वीडियो। ट्राई करना चाहती थी कैसी क्वालिटी आती है और कैसी नहीं आती, और मैंने कुछ कुछ बैग सिलेक्ट कर रखे हैं बहुत सारे, देखते हैं कैसे आए हैं और कैसे नहीं आए। तो गाइज, इतने सारे बैग्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए हैं मीशो से, तो मैं वन बाई वन सारे दिखाऊंगी और सारी डिटेल के साथ आपके साथ कोड भी शेयर करूंगी। ऑल दो मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो आप लोगों को मैं क्वालिटी वाइज रेट करूंगी कि कैसे मुझे लगे, और पूरा रिव्यू दूंगी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर कोई भी नया होगा चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना इस वीडियो को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट रिसीव हुआ था वो कुछ ऐसे है, और इसकी मैं इमेज आप लोगों को साइड में दिखा दूंगी कैसी इसकी ओरिजिनल इमेज थी और कैसा मुझे रिसीव हुआ। आई थिंक मुझे इमेज में देख के ऐसा लगा था कि ये थोड़ा छोटा साइज में आएगा, बट ये थोड़ा बड़ा साइज में आया। ऑल दो मुझे तो इसकी क्वालिटी वाइज काफी अच्छा लगा, यू कैन सी सही लग रहा है, क्लासी दिखने में भी। और इसके अंदर इन्होंने थोड़ा भर रखा है, मैंने कभी खोला नहीं है सब कुछ। और इसके साथ आप लोग एक स्ट्रिप भी मिल रही है, तो आई थिंक मुझे तो क्वालिटी वाइज काफी अच्छा लगा, स्टडी लगा। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। और इसका रेट है इसका ये मुझे कुछ पड़ा था 328 रुपीस का, तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में 328 रुपीस के हिसाब से ये सही है कि नहीं। बाकी ऑल दो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये, यू कैन सी क्लोजअप से। अब जो मुझे नेक्स्ट बैग रिसीव हुआ है, मैं पहले आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। अब मुझे रिसीव हुआ ये है स्लिंग बैग, तो ये ना मुझे लगा था थोड़ा सा साइज में छोटा आएगा, बट ये भी मुझे बड़ा ही रिसीव हुआ। ऑल ओवर अगर मैं इसको कैरी करूँ अच्छे से स्टाइल करूँ, तो आप लोग इसके साथ आप लोगों की स्ट्रिप टाइप की, और इसकी ना क्वालिटी काफी अच्छी है स्ट्रिप की, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। क्योंकि इसका प्राइस भी आई थिंक 359 था, तो इसका प्राइस लगभग 360 रुपीज था, तो उसके हिसाब से अच्छा लगा मुझे। और इसमें आप जैसी देखेंगे तो दो पार्टीशन इन्होंने सेपरेट पार्टीशन दे रखे हैं, तो काफी ज्यादा स्पेशियस है ये भी, तो आई थिंक मुझे क्वालिटी वाइज वर्थ इट लगा। और अगर मुझे इसको रेट करूं तो ये 10 out of 9 लगा, सो अच्छी डील थी इस प्राइस में। बाकी मैं सबके कोड और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बाकी जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखाती हूँ। चीजें रिसीव हुई है वो मैं कब से सोच रही थी कि मुझे ऐसे मिनी बैग्स चाहिए, बट वो काइंड ऑफ इतने मिनी भी नहीं आए, मतलब ओके साइज लगा मुझे। तो टू स्लिंग बैग्स हैं, वो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में रिसीव हुए हैं ऐसे, क्योंकि ये कॉम्बो में था। आप चाहे तो इसको सेपरेट भी बाय कर सकते हैं, बट मेरे को दोनों कलर चाहिए थे, तो इसलिए मैंने कॉम्बो में ट्राई किया इसे लेने का। और ये मुझे कॉम्बो में पड़ा 575 रुपीज का, तो आई थिंक वर्थ इट है 575 रुपीज में टू बैग्स, सही लगे मुझे। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी मुझे सही लगी, बट मुझे थोड़ा सा ना ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने फैब्रिक रख रखा है ना, इसे भी इनको कट आउट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, बस मुझे यही चीज अजीब लगी थोड़ी सी। अगर ये लोग इसको कट आउट कर देते थोड़ा सा अच्छे से, तो ये काफी अच्छा लुक देता। और कैन सी बहुत प्यारा सा है, और इसमें ना इन दोनों में आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग उन कलर्स को भी चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों को अच्छा लगा है। और ये कुछ ऐसा है, ओपन करते इसमें कुछ ऐसा है, बट एक और मुझे डिसएडवांटेज लगी कि इससे थोड़ा सामान गिरने का मुझे वो लगा। अगर यहाँ पे एक जिपर ये लोग प्रोवाइड कर देते आई थिंक मोर बेटर होता, बट ठीक है, रेट के हिसाब से इन लोगों ने वही चीजें प्रोवाइड की जो नेसेसरी थी। और इसके साथ ना आप लोगों को यहाँ पे भी स्ट्रिप मिल रही है, मेरे को इसकी स्ट्रिप मिल नहीं रही कहाँ है। बाकी मैं इसका दिखा देती हूँ, व्हाइट पीस भी मुझे बहुत प्यारा लगा जो व्हाइट वाला है। चाहे तो आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो इसे, क्योंकि ऐसे भी अच्छा लगेगा अगर आप किसी आउटफिट के साथ क्रिएट करो और लुक के साथ आप ऐसे कैरी करके जाओ, तो ये भी अच्छा लगेगा। बाकी मैंने जैसे बताया आप लोगों को, ये दोनों मुझे 579 रुपीज में पड़े, आई थिंक डील अच्छी थी। नेक्स्ट रिसीव हुआ बैग मुझे बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगा और बहुत प्यारा सा लगा। सो ये है स्टाइलिश कर्व शेप बैग, स्लिंग बैग, तो काफी थोड़ा यूनिक कंसेप्ट लगा मुझे इसका, तो अच्छा है पैटर्न वाइज भी,
यू कैन सी पीछे से, और आप यू नो ऐसे कैरी कर सकते लाइक नॉर्मल हैंड बैग की तरह। एंड स्लिंग बैग के लिए भी आपको इसमें स्ट्रिप इन्होंने दे रखी है वाइड में थोड़े, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बाकी वो मुझे थोड़ी सी उसकी क्वालिटी ना इतनी कुछ खास नहीं लग रही थी, बट आप ये देख सकते हो ये अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी, ऐसे ही कैरी करने में ज़्यादा अच्छा है। और यू कैन सी इसके अंदर ना इन्होंने टू टकर बटन वाले दे रखे हैं यहाँ पे अटैचेबल, और यहाँ पे ना अलग से सेपरेट से चेन दे रखी है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी ज़्यादा कि इसमें दे रखी है चेन, ताकि आप इजीली अपना सामान कैरी कर सको और वो सेफ भी रहे सिक्योर भी रहे। और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, मैंने इसका अंदर का स्टफ नहीं निकाला है जितना भी था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये मुझे 400 रुपीज़ में पड़ा था, तो आई थिंक अच्छी क्वालिटी है, 400 रुपीज़ वर्थ इट है। और मुझे ना इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, ये जो बकल्स इन्होंने दे रखे हैं ना अटैच करने के लिए, ये इसकी क्वालिटी और बैग से अच्छी लगी मुझे, ये अटैचेबल वाले जो, तो इसके साथ ये मिला था और ये था, तो ये 400 रुपीज़ का पड़ा मुझे, आई थिंक सही लगा मुझे इस रेंज में, तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा ये बैग। तो जो नेक्स्ट है वो मेरा असॉल का फेवरेट बैग है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। और इसका कलर, मुझे इस कलर से प्यार हो गया, बहुत सुंदर कलर है, लाइक लेवेंडर काइंड ऑफ कलर है ये, तो ये बहुत प्यारा सा है। और मुझे कब से ऐसे छोटू से क्यूटू से बैग चाहिए थे, मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे, हॉर्सकास्ट में भी आई थिंक एक बार मिला था, वो 500-600 के अराउंड था, तो मुझे उसमें कलर ऑप्शंस नहीं मिले, इसलिए मैंने बाय नहीं किया था उस टाइम तो, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था कि मुझे छोटे बैग्स चाहिए, तो मैंने सर्च किया तो मुझे ये फाइनली मिला। तो मुझे कलर, मैंने इसमें कलर में ऑर्डर किया, मुझे काफ़ी प्यारा लगा। इसमें भी डिटैचेबल दे रखे हैं आप लोगों को, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके स्लिंग्स की, तो या आप लोग इसे चाहो तो ऐसे ही यू नो कैरी कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप स्लिंग की तरह कैरी कर सकते हो। और इसके अंदर ना जिपर भी प्रोवाइड कर रखी है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यार, बहुत मस्त लगा मुझे, जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और यू नो इसमें आप इजीली, मुझे लगता था कि इसमें कुछ आ नहीं सकता, बट इसमें इजीली आप लोग अच्छा खासा सामान भर सकते हो, फोन आ सकता है इसमें, कैश वगैरह लिपस्टिक वगैरह जो भी आप लोग गर्ल्स कैरी करती है वो आ सकता है इजीली। और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि और मिनी बैग्स इससे भी ज़्यादा मिनी होते हैं। तो फाइनली गाइस मैं इसका प्राइस रिवील करती हूँ, तो इसका प्राइस है 379 अराउंड, इट मीन्स कि 380 रुपीज़ का पड़ा मुझे, तो ठीक है मुझे तो अच्छा लगा इस प्राइस में, क्योंकि मुझे चाहिए था तो मैंने ले लिया। और इसमें आप लोगों को कलर ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे, तो यू कैन ट्राई, मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में खरीदे, क्योंकि मुझे ना इसमें थोड़ा ये अलग पैटर्न था, और जो ये वाले थे ये भी मिनी ही है और ये थोड़ा सा अलग पैटर्न था, तो इसलिए मैंने ट्राई किया और पैटर्न्स भी। तो गाइज जो लास्ट मैंने बाय किया था बैग वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा था, स्पेशली उसका कलर, इस कलर की वजह से मैंने उसको बाय किया है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम पेस्टल कलर है, यू कैन सी, और बहुत छोटू सा क्यूट सा है ये, आप देख सकते हो, यू कैन सी क्लोजअप। एंड इसमें ना पार्टीशन दे रखा है सेपरेट चेन, यू कैन सी, और अंदर इतना स्पेस है इसमें, तो वो क्यूट है छोटू सा। इसके साथ आपको ना ये स्ट्रिप भी आप लोगों को दे रखी है, ताकि आप इसको अटैच कर सकें, और आप चाहे तो ऐसे भी इसको कैरी कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको ज्वाइन करके इसके साथ ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत प्यारा लगा, और इसकी अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो हल्की सी फिनिशिंग में मुझे लगा कि थोड़ा इनको वर्क करना चाहिए, यू कैन सी यहाँ से दिख रही, बाकी थ्रेड वर्क तो अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा, बस यही चीज़ है। और इस चीज़ में भी कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे लटक सा रखा है, तो इसकी आई थिंक थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मैं इसको अंदर टक इन कर लूंगी, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये। तो और बाकी जो इसका प्राइस था वो है 400 रुपीज़, तो आई थिंक 400 रुपीज़ में बहुत प्यारा था ये बैग। होप कि आप लोगों को ये पूरा मेरा ह्यूज हॉल पसंद आएगा, आप लोग मुझे और भी सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे किस ब्रांड के साथ हॉल वीडियो करनी चाहिए, किस आपको कैटेगरी में हॉल वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट डाउन में कमेंट कर सकते हो, मैं उनको जरूर रीड करूंगी, आप लोगों को रिप्लाईज मैं रिप्लाई देती ही रहती हूँ, तो मैं उनको रीड करके
ऑब्वियसली मैं एक वीडियो बनाने का सोचूंगी जो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हो. सो या आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एंड तक जिसने जिसने देखी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.